8 जून को पीएम मोदी लेंगे शपथ। नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के राष्ट्रीय अध्यक्षों को किया गया है आमंत्रित। विदेशी नेताओं ने दी जीत की बधाई। देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 8 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां पीएम मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। इससे हर कोई वाकिफ है कि पीएम मोदी के मित्र विदेशों में भी बड़ी संख्या में हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। समारोह के लिए नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद भारत ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए बिम्स्टेक देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था। और अब पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। इससे पहले मोदी की जीत पर देश के साथ विदेशों से भी खूब बधाइयां मिली। कई विदेशी नेताओं ने मोदी की जीत की बधाई दी। उन नेताओं ने भारत के साथ मिलकर काम करने और आपसी संबंधों को मजबूत करने की इच्छा भी जताई है। बता दें कि नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में आयोजित होगा और जिसके बाद शुरू होगी मोदी सरकार 3.0। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।